हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भिडियो आपको स्वागत जनाऊँगी। तो आसतु आज आम ये जानवा डायरेक्ट कपड़ा उपरे केमती डबल कटरी ब्लाउज कटिंग करवा। डबल कटरी ब्लाउज मुझे मेथड आपण सहित सेयार कर सारी किंतु यही मेथडटा कौन ना आमर डायरेक्ट कपड़ा उपरे बाहरी जहाँकि आम बेसी कटरी बाहर करवा दरकार ना एकाथर आमर कटरी सहित ब्लाउज टी कटिंग हे। तो ये प्रोसेसटा आपको आज मुझे सेयार करी ए प्रोसेस मुझे पेपर कटिंग भी आगुरी आपको सेयार करपर ही मुझे डायरेक्ट कपड़ा उपरे कटिंग करके देखा। तो जदि आप पेपर कटिंग केमी होता जब जानक चाहती तेल डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आप जाकि भिडियो को भलरे डिटेल्स बुझीपारे। तो आसतु आज भिडियोटी आम आरंभ करवा। तो ये ब्लाउजटा मुझे बिना अस्त्रवाला करुच्ची अस्त्रवाला करूनी जदि आप चाहती कि सेम प्रोसेस अस्त्रवाला कटिंग करेंगे कि अस्त्रवाला कौन आग आम अस्त्र कपड़ा कटिंग करूँ तापर मेन कपड़े कटिंग करूँ जेहेतु यहाँ मोर बिना अस्त्रवाला तो से मुझे डायरेक्ट मेन कपड़े कटिंग करी। तो यही प्रोसेस जिते आम कटिंग करवा आग आम बैक पार्ट बाहर करवापर फ्रंट पार्ट बाहर करवा। ब्लाउज मेजरमेंट स्क्रीन उपर अच्छी आप देखिपे। तो ये मोर ब्लाउज लंबाटा मुझे रखी के 14 इंच। तो 14 इंच रु गोटे इंच एक्सट्रा नेबी एटा जेहेतु आमर बैक साइड रे आमर गोटे इंच एक्सट्रा निया हुए। तो जेतिकी थिबो सेतरे आपण प्लस 1 इंच करिवे। तो मोर अछि 14 इंच। तो 14 इंच रे गोटे इंच प्लस कली मोर हैला 15 इंच। तो 15 इंच जोठी हैला सेठी गोटे ताग दबा ए 15 इंच मार्किंग कले एटा को गोटे आगो में सीधा रे गोटे गारटान नमा। तो ये कपड़ाटा को मुझे दुई फोल्ड कर पकईदेज। ये जो कपड़ाटा आम दुई फोल्ड करूँ आम सब जाने आम चेस्ट अनुसार आम फोल्ड करूँ। तो चेस्ट जी थी आप चार भाग करेंगे से लुजिंग 1.5 इंच बा 2 इंच देवे जमीती कि मोर छाती अच्छी के 36 इंच। तो 36 इंच को मुझे चार भाग कली मोर है 9 इंच। तापर एक्सट्रा नी मुझे 1.5 इंच मानने 10.5 इंच 10.5 इंच ये होगा मोर फिटिंग लाइन ये हूँ आम एक्सट्रा मार्जिन। तो एबे नबा आमे शोल्डर मार्किंग। शोल्डरटा आम सब जानचे बैक नेक रो डीप उपरे नबा। तो ये मोर बैक नेक रो डीपटा अच्छी 11 इंच। तो 11 इंच जेहेतु अच्छी से शोल्डर नेबी 5.5 इंच 5.5 इंच जो है से गोटे दाग दबा जो 5.5 इंच है तल को आम आर्म होल मार्किंग करूँ। ये दागटा दे दागर तल को आम आर्म होल सेप दबा। तो आर्म होल जो मेजरमेंटा थाए से आम कम बाहर करवा ना आम चेस्ट जी थी आम 6 भाग करवा। तो जी से आर्म होल मेजरमेंट 36 को 6 भाग कले के 6 इंच। तो 6 इंच ये रखी सामान जो 6 इंच है मुझे गोटे दाग देवी जोठी आमर ये मार्किंगटा शेष होला सेठू एपट साइड आड़ को आम गोटे सीधारे गार टाणी दबा। तो एबे मार्किंग करेंगे चेस्ट लाइन पे एटा होची जॉइंट साइड आमर। तो जॉइंट साइड पटु एमती रखिबा 9 इंच जोठी होला सेठी आम दाग दबा। नेक्स्ट एपटे आमर तो एक्स्ट्रा मार्जिन अच्छी। तो एबे आम आर्म होल सेप दबा एटा होची बैक पार्टा। तो बैक पार्ट रे आर्म होल सेप दबा पई आम ए कोणरु 1.5 इंच दूर रे गोटे दाग दबा। यू रखा 1.5 इंच जो सही गोटे दाग दबा। देन एतिकी जो आम आर्म होल मेजरमेंट नहीं 6 इंच ताको आम मिडिल करवा मझी करी गोटे दाग देद जो मझी दागटा है ऊपर सीधार आणवा यही 1.5 इंच जो दाग देते सहित मिसाइबापर फिटिंग लाइन सहित मिसाइबा। फिटिंग लाइन सहित मिसी सारापर एम तल को जस्ट डाउन करवा यहाँ में 2 सूत्र 3 सूत पाखापाखी तल को एमती डाउन करवा। तापर नवा आम नेक लाइन पे मार्किंग। तो नेक लाइन रो मार्किंगटा ये मुझे 2 इंच रखी जेहेतु यहाँ मुझे डीप नेक करुच्ची। तो यहाँ बिना डोरी वाला भी हम जदि डोरी मुझे लगे था 2.5 इंच काटि था। तो ये मुझे बिना डोरी वाला करी तो से मुझे 2 इंच काटि 2 इंच दाग देली। तापर आसला आमर बैक रो डीपटा। बैक रो डीपटा मुझे के रखी 11 इंच। तो 11 इंच जो सही गोटे दाग दबा यही तलपटे यहाँ को आम ब्रड करवा यू ब्रड करापी यू मु 2.75 जो सही गोटे दाग देवी 2.75 माने 2.5 इंच आउ 2 सूत से मुझे दाग देली। यही दागट को ऊपर गार सहित जॉइंट करदे एवं यहाँ को ये आम राउंड शेप देद मुझे राउंड सेप करदे जदि आप चाहती अन्य सेपारे। तापर आसा मोर अंटार मार्किंग। तो अंटा ये मोर के 30 इंच अंटा 30 इंच अच्छी 30 को आम 4 भाग करवा
तीस को चार भाग कले आमर हूँ साढ़े सात इंच। साढ़े सात इंच जो होती मार्किंग न करी आम गोटे इंच प्लस करवा कहीं आमर ये टक्स पड़ो टक्स पड़ापी आम प्लस वन इंच करवा मानने साढ़े आठ इंच। साढ़े आठ इंच जो से गोटे मार्किंग करवापर एक्सट्रा आमर देढ़ इंच तो यू देढ़ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन सहित जॉइंट करदे। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन सहित जॉइंट करनवा। एठो हमें जो टॉक्सटा पकेबा एठो एटा हमें चार इंच दूर गोटे दाग देबा जो चार इंच हला सेठो ऊपर को हमें ठीक साढ़े तीन इंच गोटे दाग देबा। एपट साइड को हाफ इंच गोटे दाग देबा। नेक्स्ट एपट साइड को भी हाफ इंच गोटे दाग देबा माने एठी हम टोटल गोटे इंच रो टॉक्स पड़ो तो से एपटे हाफ इंच एपटे हाफ इंच तो यही गार गुड़ा को एबे हम एमती या सहित जॉइंट करदे। बैक पार्ट रे देखु थे जिते आप टक्सटा पकई सारे से कौन हम ना बैक साइड आपंकर ऊपर को उठी जाए एपट सैडटा फिटिंग लाइन सैडटा तल को पलि आसे ये पिठी जगटा जोटा आम ऊपर को उठी जाए तो से कौन करेंगे ना यपट सैड्रु आप हाफ इंच दाग देखिए यहाँ को या सहित जॉइंट करदे। जदि आपंकर सेमती प्रॉब्लम होइड्रु हाफ इंच गोटे दाग देते हाफ इंच दाग देखिए या सहित आप जॉइंट करदे। जो टक्सर दाग दे हाफ इंच क्रॉस टाइप जॉइंट करने तो ये आम बैक पार्टा टोटल कंप्लीट हो मार्किंग या आम काटिके बाहर कर नवा। तो बैक साइडा ये आम कटिंग करनेपर आम फ्रंट पार्ट कटिंग करवा तो फ्रंट पार्ट कटिंग करवाई भी एटी भी कपड़ा को मुझे दुई फोल्ड करके पकईजी किंतु बैक साइड आम चेस्ट अनुसार पकईले किंतु ये आम आमको एक्सट्रा दरकार ये आम डायरेक्ट कटरी बाहर करवा तो से आमको एक्सट्रा मार्किंग दरकार। तो एक्सट्रा आम के ना टू इंच तो प्रथम आम यू टू इंच रे गोटे दाग देदे ये जो दाग दे आम बैक पार्टा को रखा बैक पार्टा को रखिकी एपट सैड जमी सामान हो तो यहाँ आम सामान अच्छी ये टू इंच मार्किंग कले यटा को गोटे आग सीधार गोटे गार टाणी देवा आग सीधार गार टाणी देखें बैक पार्टा को आने एवं बैक पार्टा को आणिकी ये गार दे टू इंच रे से ऊपर लगे रखा देन ऊपर पटे शोल्डर भी आमर सामान रीधार सबुआटे आम सामान रखि सारापर जमी आम मार्किंग करते सेमती गोटे आग सैड मार्किंग करने बैक पार्टा जमी मार्किंग थिला आम सेमती मार्किंग करने तो एबे आम नेक रो लेंथ दबारा तो नेक रो लेंथटा आम जितेबाला अन्य प्रोसेस ब्लाउज कटिंग करुले जमीक बेसी कटरे बाहर करुले आम बड़ करुले तो से प्रोसेस जिते कटिंग करुले आम नेक रो लेंथ जी रखुले यही प्रोसेस कला बेले आमको आउ हाफ इंच एक्सट्रा नाक दरकार। जदि आपठी फाइव इंच रोते जगह आप फाइव पॉइंट फाइव इंच ने जदि आप सिक्स इंच रोते सिक्स पॉइंट फाइव इंच ने मैंने हाफ इंच एक्सट्रा ने तो मुझे नौली सिक्स इंच तो यही जगह मुझे सिक्स पॉइंट फाइव इंच तो सिक्स पॉइंट फाइव इंच जो से दाग दिली तो यो दाग दिली ये सीधार यटा को मुझे ब्रड करने टू पॉइंट फाइव इंच रोटे दाग देवी यहाँ है टू पॉइंट फाइव ऊपर टू इंच थिला तले देली मुझे टू पॉइंट फाइव यो सिक्स पॉइंट फाइव इंच है यटा को आम एमती सीधार गोटे गार टाण की जॉइंट करदे यटा को राउंड शेप देदे तापर दबा आर्म होल पाई मार्किंग। आर्म होल पाई आपन चाहिले डायरेक्ट एमती हाफ इंच रे दाग देखिए सेप दे पारे जदि आपति डाउट होकर बेसी जदि सेप पलि आसे आप कौन करेंगे ना सिक्स इंच रे में आर्म होल नहीं थिले तो सिक्स इंच रे मार्किंग करदे जीक नहीं थे आर्म होल से मार्किंग करदे देन यटा को जमी सीधार एपट गार टाण होता सेमती गार टाण दे तो बैक साइड रे एठी आम देढ़ इंच थिला तो फ्रंट साइड रे आमको गोटे इंच दरकार तो से कोण रु रखे गोटे इंच गोटे दाग देवे बस ये आम गोटे इंच तो यूक होता पुणी आम मिडिल करवा मझीर एमती फोल्ड करदे जो से गोटे दाग देदे देन ऊपर यटा को आम सीधार आने जो आम हाफ्रे दाग देखू आम भितर सैड को ये भितर सैड को दुई सूत्र तीन सूत पखापाखि भितर को आमती आणिकी जो गोटे इंच दाग दे सहित मिसेवा तापर पुणी आमर फिटिंग लाइन सहित एमती मिसीज ए सैड्रे बस होगा आम फ्रंट सैड्र आर्म होल मार्किंग। आर्म होल मार्किंग कर सारे एवं आम मार्किंग करवा बस्ट पॉइंट
जोटा आमर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ब्लाउज रे। तो बस्ट पॉइंट आम कमी जाना ना आम चेस्ट जी थी ये आप सब सैज आप्लाय करेंगे जे गोटे सैज आप्लाय करें से नुह मुझे जो प्रोसेस ब्लाउज कटिंग करुच्छे आपड़ी से ही प्रोसेस करती तेल आपड़ ये सूत्रटा सब सैज्रे आप्लाय करेंगे। तो चेस्ट अच्छी मोर के 36 तो 36 को आम चार भाग करवा से प्लस वन इंच आड करें आमर बस्ट पॉइंट बाहर जोटा प्रिंसेस कट साधा ब्लाउज एगुड़े अप्लाई करते कि जगह आमको पुणी प्लस वन इंच आड करा दरकार माने चेस्ट को चार भाग करवा से आम प्लस टू इंच करवा। तो चेस्ट के चेस्ट अच्छी मोर 36 36 को चार भाग कले मोर के 9 इंच तो 9 इंच रे प्लस मु 2 इंच करी तो मोर के 11 इंच तो 11 इंच जो से गोटे दाग दबा ये जो 11 इंच है जो 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं थे से पटु केमती मिसेक गार्टन दबा जिते आम नॉर्मल ब्लाउज करुले से आम कटोरीटा के नौ 36 साइज़ तो आप बहुत भल भाव जानते हैं जदि नुआ आप शिखुंटे जापरिवे तो कौन करेंगे ना आगो फिटिंग लाइन सैड पटु आप मार्किंग करेंगे फिटिंग लाइन सैड पटु आम एक्सट्रा के रखी देढ़ इंच तो देढ़ इंच गोटे मार्किंग करके यू आग गोटे सीधार गार्टन ने एटा फिटिंग लाइन होगा। तो फिटिंग लाइन होगा पर यूक होता आम तीन भाग करुले तो यू ये अच्छे आमर 9 इंच तो 9 इंच को आम तीन भाग करुले तीन भाग रु दुई भाग जी रोला आम से कटरी रखुले गोटे भाग जी रहा एपट सैड रखुले तो यू ये जो आम मेजरमेंट करमी कटरीटा बाहर करुचे जदि आप जापार ना तो से अगर भिड करिपन लिंक देदेवी आप भिडियो को देखिपारे जदि से जिनस को मुझे डबल रिपीट करी तीडियोटी बहुत लंबा हो तो से मुझे रिपीट करूनी तो यू मुझे आम 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं थे से कपड़ा को छाड़ीदे तापर जो मार्किंग करते यू 2 इंचटा यू ही रखिक आम 6 इंच रे दाग दबा 6 इंच आम जानी 36 साइज़ रे आमको 6 इंच नवा को पड़े कटरीटा तो 6 इंच आम दाग देदे ये दाग दे ठीक आम उपर को सीधार गार टाइम दबा तापर एबे जो आर्महोल साइड जो गोटे इंच रे शेप देते से गोटे इंच रु भीतर को आम 2.3 बा 2.4 बा 2.5 आपणकर जेतिकी रे शेप आसुथुबो तो एटा मु 2.3 रे देइजे किंतु देखिबा एथरे मोर शेप आसुची ना नाही जदि 2.3 बदलले 2.2 रहिला ताले भी चलिबो। तबे तळ साइड रु जोटा मे नेक रो लेंथ नेइथिले से तळ साइड रु ऊपर को 1.5 इंच देढ़ इंच जोटेला से गोटे दाग दबा ये जो देढ़ इंच देते यहाँ को एमती सीधार गार टाण दबा गार टाण दे आमको राउंड सेप करा सुविधा एवं यटा को जो राउंड सेप करवा यू नवा जस्ट हाल्का हाथ में धरिकी यू आम एमती राउंड सेप दबा यटा को आम इटी राउंड सेप दे देले तो राउंड सेप दे सारापर यूक आम जी होमर हूँ 8 इंच तो 8 इंच को आम एमती मिडिल करवा जोड़ी मिडिल है से गोटे दाग दबा आम एपट सैड जो पटे आम 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं थे तो एपट सैड को गोटे इंच पर गोटे दाग दबा नेक्स्ट एपट सैड रु पुणी गोटे इंच उपर गोटे दाग दबा एपटे गोटे इंच एपटे गोटे इंच जो गोटे इंच लेखा देले या को आम मिडिल पॉइंट जो बाहर करते सहित आम जॉइंट करवा तो ऊपर साइड रे एपट को आम हाफ इंच बाहर को सिलई मार्जिन दाग दबा आपड़ी चाहती 0.75 पर्यंत आपड़ सिलई मार्जिन नहीं पारे तो ये मुझे हाफ इंच पर्यंत नौ दागटा को या सहित जॉइंट कराया जो गोटे इंच ऊपर को दाग देते सहित एमती क्रॉस टाइप करके जॉइंट करदे तो यही जगह जदि बेसी आपणकर कोण टाइप देखा जाए आप हल्का राउंड शेप देदेवे जदि बेसी कोण हो पपटा टिके फुलिक रहा भाया देखा जाव तो राउंड शेप देदेवे यहीगला आमर पार्ट वन कटरी तो पार्ट टू कटरी केमी बाहर करवा तो पार्ट टू कटरी जो बाहर करवा तार फर्मूला हूँ कौन ना आमर चेस्ट जी थी आम 13 भाग करवा ये मेजर टैप्रे आप 13 थर फोल्ड करके बाहर कला को आपंकर एपट सेपट हो तो से आप कौन करेंगे कैलकुलेटर बाहर करदे आमर ये 36 को 13 भाग कले मोर के 2.7 इंच तो 2.7 माने 2.5 तापर आ 2.7 एति बाहरला तो ये मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन आड करी गोटे इंच रु देढ़ इंच जदि आप नुआ शिखुंटे आप देढ़ इंच आड करूँ ना आप गोटे इंच 2 सूत गोटे इंच 3 सूत एमती आप आड करें तो यही जगह मुझे
बेसी नौनी बस गोटे चेष्टा नौ जदि आप नुआ शिखुं तेल आप एक्सट्रा नहीं था जदि आपर टी एक्सट्रा तल गोट होगा आप काटिक बाहर कर नहीं पारे तो मोर थी 2.7 इंच तो गोटे चेष्टा ने मोर है 3.7 इंच तो 3.7 जो सीटी गोटे गार टाणी दबा तो यही कटोरी मापटा के 6 इंच तो तले भी आम 6 इंच रे मार्किंग करवा ये मोर 6 इंच तो ये जो 6 इंच है ऊपर सहित यहाँ को आम जॉइंट कर नवा एपट को जो एक्स्ट्रा 2 इंच नहीं सेपट को भी यहाँ को एमती गार टाणी दबा ये पार्ट 1 कटोरी ऊपर को आम के उठे गोटे इंच उठे तो तल को भी आम एवं गोटे इंच डाउन करवा जो पटे आम बटम हुकपटी लगे से पटे गोटे इंच आम डाउन करवा यपट सैडे गोटे इंच नहीं चे सेम तल को आम गोटे इंच रे दाग दबा एपटे गोटे इंच है तो ये फिटिंग लाइन साइड पटे 1/2 इंच जो बस्ट पॉइंट पे मार्किंग करते से पॉइंट रू 1/2 इंच तल को गोटे आम मार्किंग करवा एपटे है गोटे इंच एपटे है 1/2 इंच तो ये गोटे इंच आउ 1/2 इंच को ये मिडिल जो पॉइंट बाहर करते सहित आम एमती जॉइंट करवा गार टाणी की तो ये तल साइड रू 1/2 इंच ऊपर को पुणी गोटे दाग दबा जो 1/2 इंच दाग देले एटा को आम या सहित एमती जॉइंट करदे बस यटा को एमती टाइप सेप दे देबा एबे आमको एस पट्टी मार्किंग दरकार तो एस पट्टी आम के मेजरमेंट करवा ठीक रे आम जाने तो से आम केमी बाहर करवा ना यू जो आम कटर मार्किंग करते यू राउंड टाइप रहा आम मेजर करवा बस आम जो गोटे इंच ऊपर को सेप देते से पर्यटन मेजर करवा यहाँ अच्छे के 7 इंच 7 इंच जोटा है धरवा नेक्स्ट आम 1/2 इंच तले गोटे डाउन करते तो से 1/2 इंच जगह यहाँ रखा तल को पुणी सीधार देखा आमर के 10 इंच अच्छी तो 10 इंच रू आम कौन करवा -1 इंच करवा 1 इंच आम कहीं माइनस करवा ना पार्ट 1 कटोरी आ पार्ट 2 कटोरी जिते बार सिलई पलू 1/2 इंच पलू 1/2 इंच पल तो गोटे इंच पलैला तो गोटे इंच आमको माइनस कराया पड़ो तो कैसे है 10 इंच रू -1 इंच कले 9 इंच एवं आम मन रखा आमर है 9 इंच तो 9 इंच जो बाहर से आम यू पुणी मेजर करवा जमी मेजर करमी मेजर करवा बस आउ मेजर टैप को जमा भी उठेबानी जो 9 इंच होती ही आम मार्किंग करवा आमर है 9 इंच तो 9 इंच जो से गोटे आम ये मार्किंग करवा बस यही 9 इंचटा को एमती सीधे फिटिंग लाइन सहित जॉइंट करदे ये सैडटे आमर एवं एस पट्टी भी बाहरी गला एबे आम बाहर करवा भि पट्टी तो भि पट्टी आम केमी बाहर करवा तो बैक साइड आनवा सामान जमी रखी थे सेमती रखा रखी सारापर आम देखा एस पट्टी तले जो एस पट्टीटा आम मार्किंग करे से कौटी सरी जस्ट टिके सैड करदे देखीपर कौटी सरी यहाँ सरी आमर ये तो यही ये तलू को आम मेजर करवा एठी मोर अच्छी 3 इंच अच्छी 3 इंच जो बाहरला से आम एक्स्ट्रा गोटे इंच आड करवा गोटे इंच कौन पर ना मोर ऊपर पटे ये कटोरी सहित जॉइंट हम 1/2 इंच तल पटे आम अंटापटी लगे पुणी 1/2 इंच तो गोटे इंच आमको आड कराया पड़ो मोर थी 3 इंच तो मुबी के 4 इंच मान गोटे इंच मु प्लस करी तो यू रखा 4 इंच जो सही गोटे दाग दबा तो भी पट्टी आपठूक कन्फ्यूज हे आपति रखिए तो आप इजिली आप मार्किंग करेंगे जमी आप अंटा थी आप चार भाग करेंगे से आप 1.5 इंच लुजिंग देपारे जदि आपत न दौंती बैक पार्ट को नहीं आसवे बास एमती सामान रखीदे एपटे 2 इंच जो छाड़ी एक्सट्रा सेपटे छाड़बे बास एमती मिसेक रखिए मिसेक रखिले जो भी शेष है आपंकर बैक पार्ट से गोटे आप मार्किंग करदे तो ये मुझे बैक साइड को पकई मार्किंग करने जितेबले मुझे सिलई करी जदि मोर भि पट्टा टी एक्सट्रा हुए तो मुझे एपटे काटिके बाहर करने तो भि पट्टी ऊपर को आमको ये 1/2 इंच रू 0.75 पर्यटन ऊपर गोटे सेप देवाक पड़े तो ये मोर अलरेडी आगुरी 1/2 इंच सेप दिखाई तो से किसी सेप दौनी तेज फ्रंट पार्ट आमको जी पार्ट दरकार आम गोटे थर में मार्किंग करने ये हूँ एस पट्टी ये पार्ट 1 कटरी पार्ट 2 कटरी आउ भि पट्टी गोटे थर में आम सबुतक मार्किंग होगा तो एबे एटा को हमें कटिंग कर नवा
एठी ब्लाउज रो स्लीव्स कटिंग उपरे मु आपन किछि शेयर करिनी तो स्लीव्स केमिति कटिंग कराबे तो सेत पे मु अन्य वीडियो करि सारी छी आपन मानक सहित शेयर भी करि सारी छी तो जदी स्लीव्स कटिंग केमिति भी जाने को चाहंती ताले मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी आपन सेत पे देखि स्लीव्स कटिंग करि परिबे। तो वीडियो टी जदी आपन को भलो लागितै लाइक शेयर कमेंट निश्चित कर देबे। वीडियो टी को शेष पर्यंत देखि थारु धन्यवाद।